हेलो फ्रेंड्स, आज हम आलू बड़ा बनाने वाले हैं। महाराष्ट्र में इसको बटाटा बड़ा बोलते हैं। ये महाराष्ट्र की फेमस डिश है। चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आलू बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन का घोल तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने 1.5 कटोरी बेसन लिया है, 1 चम्मच हल्दी ले रही हूँ, 1 पिंच हींग ले रही हूँ और थोड़ा सा काला नमक है। तो इन सबको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको मीन्स पतला सा घोल बना लूँगी। ज़्यादा पतला नहीं, मीन्स कंसिस्टेंसी मीडियम रखूँगी। तो इसमें आप चाहो तो अजवाइन या लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हो, लेकिन जो मीन्स महाराष्ट्र स्पेशल जो बटाटा बड़ा होता है उसमें सिर्फ ये बेसिक्स इन्ग्रीडियंट्स ही होते हैं जो बेसन का घोल बनाते हैं उसमें। तो उसका जो टेस्ट आता है वो जैसे मार्केट में मिलते हैं ना उसी तरीके का टेस्ट आता है। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और इसका अच्छे से घोल बनाते जाइए। तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है कि देखिए, आप देख सकते हैं वीडियो में, इतनी ही रखनी है, इससे ज़्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि बेसन को हम थोड़ा सा इसको फूलने के लिए 2-5 मिनट के लिए रख रहे हैं ना, तो क्या होगा कि अगर बेसन में नमक डाला है तो वो थोड़ा सा पतला हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने एक जार ले लिया, इसमें 1.5 चम्मच खड़े धने ले रही हूँ और खड़ी 2 से 3 लाल मिर्च ली है। इनका इनको मिक्सर में डाल के दरदरा पाउडर बना लूँगी। अब यहाँ मैंने ऑयल रख दिया था, ऑयल गर्म हो गया तो 1 तेज़पत्ता और थोड़े से दालचीनी डाल दी है और 1 पिंच हींग डाल दी है। तो फिर इसके बाद सौंफ, जीरा, हरी मिर्ची और ये सब चीज़ें मैं एक एक करके डालूंगी। तो इन सब की इन्ग्रीडियंट्स की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप जाके देख सकते हो। यहाँ पर मैंने जीरा और सौंफ डाल दिया, जब उनका फ्लेवर ऑयल में आ गया कड़ी पत्ते डाल दिए, हरी मिर्ची डाल दी और थोड़ा सा अदरक डाल दिया। आप अदरक ज़रूर डालिए, इससे क्या होता है कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहो तो लहसुन भी डाल सकते हो, बट जो बेसिक्स जो फ्लेवर वाला है वो अदरक ही डालते हैं। फिर इनको थोड़ा सा इनका फ्लेवर ऑयल में आएगा जब ये सिक जाएंगे, तब हमने जो दरदरा मीन्स पाउडर बनाया था ये खड़े धने का और लाल मिर्च का, इसको डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। तो इनको थोड़ा सिकने देंगे, मीन्स मसाले का थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए। फिर इसके बाद मैंने जो 5 से 6 आलू बॉईल करके रखे थे, उबाल के रखे थे, वो आलू हम इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए यहाँ पे आलू मैंने 5 से 6 आलू बॉईल करके रखे थे, अब इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो आपको मीन्स बारीक मिक्स भी नहीं करना है, थोड़ा ऐसे रह जाएंगी गुठलियों जैसे तो वो ठीक है, क्योंकि आप बटाटा बड़े में डालोगे तो वो ठीक है मीन्स कंसिस्टेंसी उसकी। तो इस तरीके से मिक्स कर दीजिए और इसको 2-5 मिनट तक ही पकाइए। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मसाला ऑलरेडी हमारा सिक गया था। तो इसको 2-5 मिनट पकाएंगे और यहाँ पर मैंने डाला है काला नमक और थोड़ा खट्टापन देने के लिए मैं डाल रही हूँ अमचूर। आप चाहो तो लेमन जूस मतलब नींबू का रस भी डाल सकते हो 1 चम्मच, मीन्स अपने अकॉर्डिंग। ज़्यादा खट्टा खाते हो तो 1 चम्मच, नहीं तो थोड़ा सा डाल दीजिए। अब इन सबको 2-5 मिनट अच्छे से पकने दूंगी। देखिए आलू की सब्ज़ी रेडी हो गई थी। अब जो बैटर रखा था इसको एक बार थोड़ा देख लूँगी करके, आप कंसिस्टेंसी देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर थोड़ा सा गीला लग रहा है या गाढ़ा लग रहा है, गीला लग रहा है तो थोड़ा बेसन डाल दीजिए और अगर गाढ़ा लग रहा है थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए। तो इसमें मीन्स बटाटे बड़े की जो लोई बना के डालें उससे पहले थोड़ा इसको फैट लीजिए, इससे क्या होगा अच्छा फ्लफीनेस आएगा उसमें। थोड़ा सा जस्ट 1 पिंच मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, बेकिंग सोडा डाला है, मतलब मीठा सोडा। आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो। अब मैं इस आलू की सब्जी की थोड़ी थोड़ी सी ऐसी बॉल जैसी बॉल बना लूँगी, छोटी छोटी बॉल बना लूँगी। आप एक साथ बना के भी रख सकते हो ताकि वो ईजी पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने सारी बॉल बना ली है, अब मैं एक एक करके इस बेसन के घोल में डालती जाऊँगी और अच्छे से कोटिंग करते हुए बेसन की। ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने रख दिया था तो ऑयल गर्म हो गया है। ऑयल जो है मीडियम गरम होना चाहिए, ना ही बहुत तो ये ज़्यादा गरम होना चाहिए, ना ही बहुत ठंडा होना चाहिए। तो ऑयल जो है आप मीडियम गरम करिए, फिर उसमें ऐसे बेसन मीन्स बॉल को बेसन से कोटिंग करके ऐसे चम्मच से डालते जाइए। अगर हाथ से कंफर्टेबल है तो हाथ से डाल दीजिए, नहीं तो इस तरीके से आप चम्मच से डालते जाइए। और इसको सिकने में कम 7-8 मिनट या 10 मिनट लगते हैं, क्योंकि आप इसको पहले मीडियम टू लो फ्लेम पे ही आपको इसको फ्राई करना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, हाई फ्लेम पे करोगे तो ऊपर से सिक जाएंगे लेकिन अंदर से थोड़े से मीन्स वो क्रिस्पी बन नहीं आएगा। आपको थोड़ा सा कुरकुरा वाला टेस्ट लाना है ना अगर, तो मीडियम फ्लेम पर ही पकाइए। देखिए यहाँ पर बटाटा बड़ा मीन्स ये आलू बड़े बन के तैयार हो गए हैं। रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, इंजॉय कीजिए।
और रेसिपी अच्छी लग रही हो तो एक थम्स अप दे दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर योर फैमिली।